आ गया है और गोपाल सर तो हर हमेशा मेरे को सपोर्ट करते ही है। आज तीसरी बार आए मेरे शॉप पे ओपनिंग पे, मैं उसका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। गोपाल जी क्या कहना चाहोगे आज ओपनिंग में पहुँचे? विशा ई बाइक का शोरूम का उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी होती है। अतुल भाई मेहता और जयेश गोयल इन्होंने शोरूम का उद्घाटन मेरे हाथों से किया। 65,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का रेंज की गाड़ियां यहां पर है, इलेक्ट्रिक का व्हीकल है। 65 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का एवरेज में गाड़ी चलने वाली है, बहुत खुशी की बात है। और इन दिनों में जो हमारे टीनएजर्स हैं, जवान बच्चे हैं, छोटे मोटे जॉब करने वाले लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं और बहुत ही कम मेंटेनेंस में और दैनंदिन पेट्रोल का भी खर्चा लगभग 25% भी जीरो मेंटेनेंस और जीरो मेंटेनेंस है। और मेरे हाथों से तीसरा शोरूम का ओपनिंग एक डेढ़ साल के अंदर तीसरा शोरूम का ये ओपनिंग मैं कर रहा हूँ। इससे मतलब इसका सेल भी इतना हो रहा है और जो अतुल भाई है इनका कामकाज भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये कल्पना पूरे देश भर में लाई है। और देश कितना प्रगति के पथ पर है, देश कितना तेज़ी से आगे जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि एक साल के भीतर में अगर 3 शोरूम एक ही जगह पर एक ही व्यक्ति खोलता है तो इस प्रकार के कितने शोरूम खुलते होंगे, कितनी गाड़ियाँ बिकती होगी, कितने कंपनी में काम करने वाले लोगों को काम मिलता है, इससे इसका अंदाज़ा आता है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और भी आगे तेज़ी से बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होने की संभावना ऐसा मुझे लगता है, देखेंगे आगे क्या होता है। गोपाल सर, ये बाइक पर्यावरण और परिवहन के कितना आगे जाके कारगर साबित होने वाली है और इसका क्या है इसका? देखिए, इसमें मल्टीपल बेनिफिट है, पर्यावरण को भी इसमें लाभ है, बाइक चलाने वाले लोगों को जीरो मेंटेनेंस और बहुत कम पैसे में उसका दिन का गुजारा कहिए या तो महीने का जो भी एवरेज आता है वो, देश को इससे इतना लाभ है कि पेट्रोल के लिए जो हमको रेवेन्यू अन्य देश के लोगों को देना पड़ता है उसमें बड़े पैमाने पे बचत हो रहा है। और बैंक से लोन भी इन दिनों में बहुत आसानी से मिलता है तो सामान्य लोगों को तो जो ट्रैवलिंग का समय भी बचता है और पैसा भी बचता है, इसलिए मल्टीपल फायदा है इसमें। सर आप क्या कहना चाहोगे? जैसा गोपाल भाई ने कहा, हम लोग एक साल में देख रहे हैं कि पेट्रोल की गाड़ी 100 किलोमीटर चलाएगी नहीं तो 400 रुपये का खर्चा आता है और हमारे इलेक्ट्रिक बाइक का करेंगे तो खाली 20-25 रुपये खाली खर्चा आता है, यानी मेंटेनेंस एकदम जीरो हो जाता है। मिडिल क्लास आदमी को गाड़ी वाहन स्कूटर लेना पड़ेगा और जो हम लोग इसमें अपना बोलते हैं लोडेड गाड़ी भी चलाते हैं तो वो भी यानी हमारे जो दूध वाले, साग भाजी वाले, आइसक्रीम वाले, वो लोग के लिए भी बहुत अच्छी पड़ती है। और इसमें क्या है, लाइसेंस नहीं है और कुछ नहीं तो उसको वो भी बेनिफिट, अभी नहीं तो आरटीओ वाले का बहुत तकलीफ है, एक गाड़ी एक बार उठा के जाएगा तो 700-800 रुपये लोग चार्ज मारते हैं, कुछ भी छोटा भी फोल्ड होगा तो 500-1000 रुपये चार्ज मारते हैं, तो ये क्या हमारे विदाउट लाइसेंस वाला है, विदाउट नंबर वाला है, तो ये भी वो लोग को बोलिए बहुत अच्छी पड़ती है। शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि मानसून आने वाला है, मानसून के लिए आपका कुछ डिस्काउंट का अगर कुछ ऑफर है? हाँ, मिडिल क्लास को यही चाहती है। सही बात है, हम लोग कहें हर गाड़ी पे बाहर से जो प्राइस है ना उससे हम लोग 11,000 रुपये कम ले रहे हैं, यानी पब्लिक है ना आराम से चार जगह पे घूम के भाग के हमारे पास आके लेवे, और लोल सिस्टम भी हम लोग ने अच्छी कही हुई, आप खाली कोई भी पब्लिक आएगा तो उसको 10,000 भर के गाड़ी ले जा सकते हैं, बाकी का लोन बैंक लोन करके ले। टारगेट क्या है? हमारे गोपाल भाई का जब भी पहला शोरूम किया तभी मेरा मन में था कि मैं 3 शोरूम तो कम से कम करूँगा, अभी भी मेरे 2 शोरूम और करने की इच्छा है। गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे निश्चित कल मोदी जी का शपथ विधि है, जानदार और शानदार कार्यक्रम होगा और बहुत तेजी से सरकार लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी और देश बहुत प्रगति के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे जाएगा। सर और आपके साथ में कौन कौन से लोग कितने में पड़ी है बाइक?
कुछ लोन कराया आपने यहाँ? लोन की सुविधाएं हैं? लोन करवाया है, लोन करवाया है, गाड़ी अपने को कराया है, 1,30,000। इसके पहले भी ये बाइक आपने खरीदा हुआ है? नहीं सर, ये फर्स्ट बार है। कुछ खास रीजन इस बाइक को खरीदने का? रीजन यही है कि एक तो ट्रैफिक हॉलदार का थोड़ा मारी कम रहेगा, और दूसरा अपना इसका फ्यूल वगैरह का भी थोड़ा साथ रहेगा, और अपना लगेज गाड़ी है उसमें कुछ माल वगैरह भी ले जा सकते हैं, थोड़ा अपने को रियायत मिलेगा व्यापार के लिए। टोटल बाइक ली है मैंने, और NK EV करके है, तो डिस्काउंट अच्छा मिला इसके लिए मैंने परचेस कर रहा हूँ मैं। कितना डिस्काउंट मिला हूँ? 11,000 का डिस्काउंट मिला है। अच्छा, ये बाइक ही क्यों खरीद रहे हैं आप? बचत होता है, बचत होता है, एनवायरमेंट का भी, एनवायरमेंट का भी अच्छा हो जाए। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार है? अच्छा है, सर्विस अच्छी है। थैंक यू। आपने पहले भी बाइक ली है? हाँ, मतलब बाइक नहीं है, टेम्पो है, ई बाइक, ई टेम्पो है, टेम्पो है, इलेक्ट्रिक। कैसा लगा? अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था, थोड़ा सस्ता मिला इसके लिए। एवरेज 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बता रहे हैं।